देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इलिप्स दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, हाइपरबोलिक पैराबोला दिया हुआ, हाइपरबोला दिया हुआ है। कट राइट एंगल देन, मतलब अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल कट कर रहे हो तो आपको रिलेशन बताना एबीसी का क्या होगा। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, आप अच्छे से समझिए। नंबर वन कि इन दोनों कर्व को पहले तो सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा और फिर हम दोनों का स्लोप निकालेंगे और उसमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करेंगे। अगर टू कर्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कट राइट एंगल बोला है तो टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के स्लोप निकालो, तो आप इसका स्लोप निकालते तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इनटू dy बाय dx इक्वल टू जीरो। तो आप dy बाय dx को ऐसा लिख सकते थे माइनस x अपॉन y बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको इक्वेशन वन देके छोड़ दीजिए और इसे स्लोप वन मान लीजिए। सिमिलरली सेकेंड जो कर्व दिया है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 2x माइनस 2y dy बाय dx इक्वल टू जीरो, यानी dy बाय dx आ गया x अपॉन y, इसको मैं मान लेता हूं स्लोप 2। और अब मुझे ये पता है कि m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा, तो अगर मैं यहां पर रख दूं m1 की वैल्यू तो माइनस x अपॉन y बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, इंटू x अपॉन y माइनस 1। तो आप ऐसा बोल सकते थे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, माइनस माइनस कैंसिल, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर आ गई। यस और नो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर आ गई। इससे हमें एक चीज पता चली कि ये अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला, तो हम यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखें तो मैं यहां रखता तो क्या होता बताओ, आप जरा थोड़ा सा समझना कि यहां रख दूं तो आप लिखते वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आप ऐसा बोल सकते थे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर टू बी, सॉरी बी स्क्वायर बाय टू। एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यही आएगी ए स्क्वायर बाय टू। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की ये वैल्यू इससे निकालिए तो इस कर्व में रखते, इससे निकाली होती तो इस कर्व में रखते। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कर्व में आप पुट कर दीजिए तो आप क्या करते देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता कि इस कर्व में पुट कर दीजिए तो अब यहां करता हूं मैं, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह लिखते ए स्क्वायर बाय टू माइनस बी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो आपने क्या करा, पहले इस कर्व का स्लोप निकाला एम वन माना, इसका स्लोप निकाला एम टू, और m1 m2 माइनस वन से परपेंडिकुलर की कंडीशन राइट एंगल बोला, उससे हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, x और y की वैल्यू निकाली और वो हमने यहां पुट कर दी, हमारा काम हो गया। इसमें आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, नोट कर लीजिए।